फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक बहुत ही ऑथेंटिक बिहारी डिश बना रहे हैं। सो इट्स लाइक मेरे को बचपन से ये डिश बहुत पसंद है। सो वी कॉल इट दाल पीठा, और बहुत जगह पे इसको दाल फर्रे भी बोलते हैं। इट्स लाइक अ दाल का मोमोज ऑल्सो यू कैन से। तो ये इट्स अ ऑथेंटिक बिहारी डिश जो दिसंबर के टाइम्स पे बनता है हमारे तरफ। इट्स अ कस्टम कि पीठा बनता है, खीर बनता है। सो आई मिस ऑल दैट, बट ठीक है, आज आई एम ट्राइंग टू रीलिव दोज मेमोरीज। तो ये चना दाल है, मतलब आप कोई भी दाल ले सकते हो, मसूर दाल भी ले सकते हो। आई वोंट रिकमेंड, मतलब मैं अरहर दाल तूर दाल रिकमेंड नहीं करूँगी। आप मसूर दाल और चना दाल ले सकते हो, उसको थोड़ा सा ना पानी में फुला देना है लाइक 2-3 घंटे, एंड देन वॉट यू हैव टू डू आई विल शो यू। सो नाउ मैंने क्या किया है, आई विल शो यू। वो दाल है, उसको मैंने स्ट्रेन करके इसमें डाल दिया। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप समूचा लहसुन भी डाल सकते हो, उसमें पेस्ट तो सारा बन ही जाएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, जो हम गोलकी भी बोलते हैं। हल्का सा जीरा है और नमक बस। अब इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल के पीसना, हमें चटनी नहीं बनानी, हम थोड़ा सा दरदरा मतलब मोटा पीसेंगे इसको। तो मैंने देखो लाइक 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करा है बस, दैट इज इट। और अभी हम इसको पीस लेंगे। सो मैं आती हूँ फटाफट इसको पीस कर। सो नाउ यू कैन सी कि हमने दाल पीस लिया है। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी लेके पीसा था, 3-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे पीसने में, पर हमें ऐसे ही पीसना है। एंड यू कैन सी कि इसमें थोड़े थोड़े ना खड़े खड़े दाल अभी भी हैं, सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमें इसी कंसिस्टेंसी में पीसना है। मेक श्योर कि आप पानी ज़्यादा यूज ना करो, इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। नाउ हमारे तरफ बिहार में, पटना में, या मेरी मम्मी या जो भी जब ऑथेंटिक बनाते हैं, तो ये ना चावल के आटे में बनता है। सो नाउ अगेन, चावल का आटा इज़ हेल्दी, ठीक है, उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैं इसको चावल के आटे में नहीं, मैं इसको नॉर्मल आटे में बनाऊंगी। सो आटा हमें वैसे ही गूंथना है जैसे हम रोटी के लिए गूंथते हैं, और बस हमें ना बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें इसको बनाने के लिए। आप चना दाल नहीं है तो मसूर दाल से बना लो, बहुत सिंपल है, बहुत क्विक है। फटाफट आटा मैंने पहले से गूंथ के रखा है, जो यू हाउ, तो वो गूंथ कर मैंने रखा है कि फटाफट मैं वीडियो बनाती जाऊँगी। जी, मैंने इसमें बस हल्का सा हल्दी और मिर्च लिया है। नाउ अगर आप जब मसाला पीस रहे थे ना, आप हरी मिर्च भी पीस सकते हो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो, पर मेरे को तो बहुत स्पाइसी चाहिए नहीं था। सो इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। तो ये अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, बहुत अच्छे से। जो हमने मिर्च और हल्दी बनाया था उसको हमने मिक्स कर लिया है। ना हो आई शो यू, ये मैंने आटा गूंथ के रखा है। ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे हम रोटी बनाते हैं। सो नाउ बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ये आटे में भी नमक डाल देते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, बट मैंने क्या किया कि मैंने प्लेन आटा गूंथा है जैसे हम नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं, और उसमें मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लाइट एक्स्ट्रा नमक डाल दिया है। सो अब हमें इसका क्या करना है, आटा तो हमारा रेडी है। अब गूंथने के बाद मैंने 10 मिनट छोड़ भी दिया था उसको। सो अब हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलेंगे इसकी, छोटी पूड़ियाँ बेलेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बट मैंने एक पूड़ी थोड़ा सा बड़ी पूड़ी साइज़ का ले लिया, आप इससे बड़ा भी बेल सकते हो, आपकी चॉइस है, बट मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। सो मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, हमने एक पूड़ी बेल ली है। सो दिस इज़ हाउ आवर पूड़ी लुक्स। अब क्या करना है, ऑफ दाल का जो हमने पेस्ट बना के रखा है हम वो लेंगे, और इसको हमें ऐसे करके कवर करना है और थोड़ा सा साइड से प्रेस कर देना है। डोंट वरी अगर ये साइड से थोड़ा सा निकल रहा है तो दैट्स ओके, और इसको अच्छे से हमें प्रेस कर देना है। So you can see something like this, हम ऐसे कुछ ऐसा something like this। So अभी हम ऐसा अपना सारे फरे बना लेते हैं। So you can see हमारे फरे बन के बिल्कुल रेडी हैं। I'll show you। ये बहुत डेलिकेट होते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना इसके साथ इस टाइम पे। So I'll show you, this is how our फरे looks। सो अभी मैं दिखाती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। बहुत क्विक है, बहुत हेल्दी है, मतलब समझ लो भी मोमोज ही बना रहे हैं दाल का। सो अभी मैं फटाफट दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप, जस्ट अ सेकेंड। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, बड़ा पतीला टाइप। हमें पानी लेना है बहुत सारा, और इसको बहुत अच्छे से बॉयल आने देना है, ठीक है, इस पानी में।
और इस पानी में मैं बस एक चम्मच तेल डाल रही हूँ ताकि जो हमारे फरे हैं ना वो एक दूसरे में चिपके ना। बस इसके इससे ज़्यादा इसका और कोई काम नहीं है। अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने दो, फिर हम अपने फरे इसमें ऐड करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि पानी में ना हल्का हल्का सा बबल्स आने लगा है। सो जब पानी में हल्का हल्का सा बबल्स आने लगेगा तो जस्ट अ सेकंड, ये जो हमारे फरे हैं हम स्लोली इसमें डालेंगे। सो अभी हमने अपने सारे फरे इसमें डाल दिए हैं। बस मैं एक बार इसको अच्छे से टॉस दे दे रही हूँ। अब बहुत जेंटली करना है, ठीक है। बस अब क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके दस से बारह मिनट कवर करके पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। तो अभी हम 10 से 12 मिनट का वेट करते हैं। मैं इसको इस शेप्स में कट करूँगी। दिस इज़ हाउ ट्रेडिशनली हम कट करते हैं। नाउ अब आप अपने किसी भी चॉइस के शेप में कट कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली हम अपने साइड बिहारी यूपी की साइड ऐसे ही कट करते हैं। सो इसको हम छोटे छोटे पीसेस ऐसे सारा कट कर लेंगे। सो आई विल शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। ये देखो। सो अभी हम फटाफट में दिखाती हूँ अपना कलाकारी इसमें। अभी एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, ठीक है, हल्का सा, जस्ट लाइक 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने दो। सो अभी तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अनियन और चिली, ठीक है। इसको हम सॉटे कर देंगे। बस एक मिनट सॉटे करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटर। नाउ ये मटर जो है ना, ये मेरे घर का फेवरेट इंग्रेडिएंट है इस पीठे में। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि पीठा बनने के बाद ऐसे पीसेस कट करते हैं, तेल लेते हैं, हल्का सा जीरा, हल्का सा हल्दी एंड मसाला, एंड वो उसमें अपने फरे कटे हुए डाल देते हैं और वो उसको फ्राई करके निकाल देते हैं, या वो अपने फरे को डीप फ्राई कर देते हैं। सो डीप फ्राई नहीं करती हूँ, दिस इज़ हाउ माई पापा और मम्मी बनाते हैं इसको। सो अभी हम इसको फटाफट ऐसे कुक कर लेंगे। सो अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो, ठीक है, और इसको हमें करना है फ्राई। सो अब हमने टोमेटो डाला है, मैं अपना फ्लेम स्लो कर रही हूँ। मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी बिकॉज हमारे फरे में भी नमक है, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, हल्का सा डालूंगी, ठीक है। नाउ मैं डालूंगी अपने सूखे मसाले। सो सूखे मसाले में मैं क्या क्या डालूंगी, हल्का सा हल्दी। अभी आपका फ्लेम स्लो होना चाहिए, ठीक है, जब भी मसाले डालते हैं मैं हमेशा कहती हूँ अपना फ्लेम स्लो रखो। थोड़ा सा चिली पाउडर जस्ट फॉर टेस्ट, एंड मेरा फेवरेट सामान जिससे मेरे मतलब ये मेरा फेवरेट है, मतलब जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर दो, बट सम चिकन मसाला, मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं हर सब्जी में डालती हूँ इसको। और इसको हम ले लेंगे एक सॉस, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकने देंगे 1 से 2 मिनट। सो बस बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा जब हमारा टमाटर गला गला दिख रहा है तो अपने वो पीसेस जो हमने काटे थे ना फरी के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब सब कुछ मिक्स करेंगे। सो अभी हमने सबको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया अपने फरे को डालकर। सो अभी लेट्स वेट फॉर लाइक 30 seconds और 31 seconds सब कुछ को मिक्स करने के बाद। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड 1 केचअप ऑफ मतलब 1 चम्मच ऑफ टोमेटो केचअप, मैंने पहले भी बोला ऑप्शनल है। एंड बस अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत सारे लोग इसको डीप फ्राई कर देते हैं या शैलो फ्राई कर देते हैं, बट जब अगर नाश्ता हेल्दी है तो फिर शैलो फ्राई कर दिया या डीप फ्राई कर दिया तो फिर क्या मजा है। नाउ द लास्ट चीज़ जो मैं इसमें डालूंगी इज सम चॉप कोरिएंडर, और बस
बन गया हमारा डिश, बंद कर दो अपना गैस। सो गैस बंद कर दिया और हमारा डिश रेडी है। सो अभी मैं इसको फटाफट प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। सो दिस इज़ हाउ आर फरे लुक्स। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अभी क्या है ना कि ये फरे देखकर ना मेरा हमेशा जी ललचाए रहा ना जाए टाइप फीलिंग आने लगती है। सो अभी मैं फटाफट इसको खा लेती हूँ जब तक ये गरम है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय।